नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के डेली करंट अफेयर के वीडियोस में स्वागत है। और आज हम 5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगा दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है। तो यहां पर बात कर रहा है बीआरओ के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सड़क बनाई है पूर्वी लद्दाख में। तो यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़कों में से अब एक होगी, क्योंकि इससे पहले जो सड़क थी वो बोलीविया में थी, वो 8,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। पर यह जो सड़क अब बनाई गई है तो यह 9,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसमें जो जिस दर्रे पे बनी हुई है तो उसे उमलिंग दर्रा कहते हैं। इसका नाम जरूर याद रखना है इस दर्रे का। और यह सड़क पूर्वी लद्दाख में बनाई गई है। अब यह सड़क जो है तो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊंचाई पर, उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित यह सड़क बनाई गई है। जो उसके तीनों बेस हैं, जो तिब्बत वाला बेस है और जो हमारे इंडिया में बेस है और नेपाल में जो बेस है, वहां पर भी जो है तो उनके उनकी ऊंचाई से भी इसकी ज्यादा ऊंचाई है। प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी एवं टीएमसी नेता जवाहर सरकार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। यहां जवाहर सरकार के बारे में बताया गया है, जो प्रसार भारती के पहले पूर्व मुख्य कार्यकारी थे और वो पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो यहां पर राज्यसभा की सीट के लिए निर्वाचन हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो वो पश्चिम बंगाल से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। डोंगरी लेखिका पद्मा सचदेवा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिन्हें पद्मश्री एवं साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। यहां पर पद्मा सचदेवा के बारे में बताया गया है, जो डोंगरी और हिंदी की लेखिका थी और इन्हें दोनों बहुत सारे जो प्रोमिनेंट पुरस्कार है हमारे देश के वो प्रोवाइड दिए गए हैं। 2001 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। उससे पहले मेरी कविता और मेरे गीत के लिए 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 2007-08 में इन्हें कवि सम्मान भी दिया गया है। तो इनकी कविता आपको याद रखनी कि मेरी कविता और मेरे गीत, जो डोंगरा रेजिमेंट है वो इनके गीतों को गाकर, उनकी पोएम्स को पढ़ के बहुत मतलब इनको यूज किया जाता था। किसमें? जो डोंगरा रेजिमेंट के सिपाही हैं वो इनकी पोएमों को गाते हैं। टोक्यो ओलंपिक भारत की लवलीना बोरगोहेन ने महिला वेटर लेवेट में वर्ग में बॉक्सिंग कांस्य पदक जीता है। तो इसमें बताया गया है कि लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम की जो वेट कैटेगरी है वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हमारी थर्ड बॉक्सर हैं। इससे पहले हमारे दो बॉक्सर ने मेडल जीता हुआ है ओलंपिक में। तो इसमें विजेंद्र सिंह ने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और मैरी कॉम ने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। ये सेमीफाइनल में अपना मैच हार गई थी। कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो इसमें स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक नई जो योजना, इनकी समग्र शिक्षा योजना चल रही थी, तो उसी के टेन्योर को और 5 साल के लिए 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसे समग्र शिक्षा योजना 2.0 बोला जा रहा है। तो ये समग्र शिक्षा में शिक्षा के सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं तो उनकी स्थितियों को सुधारा जाएगा और वो आगे चल के ऐसा हो जाए, ऐसे दिखने लगेंगे जैसे प्ले स्कूल होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्ले स्कूल होते हैं उन टाइप के हम डेवलप करेंगे अपने जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको भी। अब ये जो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है उसमें मेन पॉइंट्स क्या है, मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें 6वीं से 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे होंगे, छात्र होंगे, उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशलों से इंट्रोडक्शन या परिचय कराया जाएगा। विभिन्न प्रकार की जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाएंगी सभी टाइप्स की। और फिर जब 9 से 11वीं क्लास में वो पहुंचेंगे, 9 से 12वीं क्लास के बीच में, तो उन्हें जो उनकी फेवरेट होगी, जो उन्हें रुचिकर लगेगी, उसके बारे में विशेष ज्ञान दिया जाएगा और उस पर फोकस किया जाएगा, जिससे वो उसमें स्किल्ड हों और फिर जो है तो उसके क्षेत्र में आगे बढ़ें। सीबीआईसी ने अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहां पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये पोर्टल कैसे काम करता है और किस चीज के लिए पोर्टल है, तो यहां पर ये जो सीमा शुल्क प्रक्रिया और जो नियम है उनके अनुपालन के लिए, अनुपालन इजिली हो पाए और ये जो ये प्रोसेस है सीमा शुल्क वाली, ये थोड़ी इजी हो जाए, तो उसके लिए एक नया पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर जो भारत में
सभी जो है तो सीमा शुल्क बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन हैं, ये सभी उस पोर्टल पे दिखाए जाएंगे। और जो नियामक के प्राधिकरण है या फिर जो नियामक नियामक के लिए जो एजेंसीज हैं, नियम बनाने वाले जो एजेंसीज हैं, तो उनकी वेबसाइट वहां पर उपलब्ध होगी और उनके जो पते होंगे वह भी वह उस वेब पोर्टल पे या वेबसाइट पे उपलब्ध कराए जाएंगे जो भी हमारे पूरे भारत में स्थित होंगे। ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास, 41 साल के बाद हॉकी में मेडल जीता है। तो यहां पर हॉकी में मेडल जीता है, अपने सेमीफाइनल में अपना मैच हार गई थी इंडिया, तो अभी ये क्या किया गया है कि ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला है और ये जर्मनी को इन्होंने हराया है, जर्मनी को हराया है। ये 41 साल के बाद इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि इससे पहले 29 जुलाई 1980 को गोल्ड मेडल इंडिया को मिला था। उत्तराखंड ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि यहाँ पे भूस्खलन और भूकंप इस टाइप की समस्याएं बनी रहती हैं, तो भूकंप से के बारे में अलर्ट करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, जिसे पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है और इसे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया ये ऐप है। और ये ऐप का नाम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो सबके लिए उपलब्ध होगा और ये भूकंप को आने से पहले ही मतलब लोगों को उसके बारे में बताएगा, अवेयर करेगा, जो उसका अलर्ट करने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाएगा इस ऐप के। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने नया हथियार त्रिची कार्बाइन बनाया है। तो यहां पर एक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में, तो वहां की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एक नए हथियार जो उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला है, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई है और वह ध्वनि कम करता है, मतलब उसे शोर बहुत कम होता है, तो इस राइफल का या फिर इस हथियार का बनाया गया है इनके द्वारा। और ये जो है तो त्रिची असॉल्ट राइफल जो पहले से चली आ रही है असॉल्ट राइफल, उसका एक छोटा संस्करण है, मतलब उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा हाई करके ये हथियार बनाया गया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।